नमस्कार। पूजा पाठ में संग बजाने का चलन युगों युगों से है। देश के कई भागों में लोग संग को पूजा घर में रखते हैं और इसे नियमित रूप से बजाते हैं। ऐसे में यह उत्सुकता एकदम स्वाभाविक है कि संग केवल पूजा अर्चना में ही उपयोगी है या इसका सीधे तौर पर कुछ लाभ भी है। दरअसल सनातन धर्म की ऐसी कई बातें हैं जो न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि कई दूसरे तरह से भी फायदेमंद हैं। शंख रखने, बजाने व इसके जल का उचित इस्तेमाल करने से कई तरह के लाभ होते हैं। तो आइए जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को लक्ष्मी का भाई बताया गया है, क्योंकि लक्ष्मी की तरह शंख भी सागर से ही उत्पन्न हुआ है। शंख की गिनती समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में होती है। शंख को इसलिए भी शुभ माना गया है क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही अपने हाथों में इसे धारण करते हैं। पूजा पाठ में शंख बजाने से वातावरण पवित्र होता है। जहां तक इसकी आवाज जाती है, इसे सुनकर लोगों के मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं। अच्छे विचारों का फल भी स्वाभाविक रूप से बेहतर ही होता है। शंख के जल से लक्ष्मी आदि का अभिषेक करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। शंख की आवाज लोगों को पूजा अर्चना के लिए प्रेरित करती है। ऐसी मान्यता है कि शंख की पूजा से कामनाएं पूरी होती है। इससे दुष्ट आत्माएं पास नहीं फटकती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि शंख में जल रखने और इसे छिड़कने से वातावरण शुद्ध होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शंख की आवाज से वातावरण में मौजूद कई तरह के जीवाणुओं कीटाणुओं का नाश हो जाता है। कई टेस्ट से इस तरह के नतीजे मिले हैं। आयुर्वेद के मुताबिक शंखोदक के भस्म के उपयोग से पेट की बीमारियां, पथरी, पीलिया आदि कई तरह की बीमारियां दूर होती है। हालांकि इसका उपयोग एक्सपर्ट वैद्य की सलाह से ही किया जाना चाहिए। शंख बजाने से फेफड़े का व्यायाम होता है। पुराणों के अनुसार अगर श्वास का रोगी नियमित तौर पर शंख बजाए तो वह बीमारी से मुक्त हो सकता है। शंख में रखे पानी का सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती है। यह दांतों के लिए भी लाभदायक है। शंख में कैल्शियम, फास्फोरस व गंधक के गुण होने की वजह से यह फायदेमंद है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक भी शंख में ऐसे कई गुण होते हैं जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। शंख की आवाज से सोई हुई भूमि जागृत होकर शुभ फल देती है। धन्यवाद।